Hello friends, welcome back to our channel. So today we start the topic of LMD. Okay, so इस topic में हम discuss करेंगे LMD है क्या. इस पहले chapter में first chapter जो history का है इसमें हमने बहुत से topic कर लिए हैं और ये कुछ last के topics हैं आपके. अब इस topic में हम देखेंगे कि LMD में actually है क्या. अच्छा, LMD actually वो idea है जिसमें हम किसी इमेज, किसी ह्यूमन इमेज के थ्रू अपने आइडियाज को एक्सप्रेस करते हैं. ओके, सो एलेग्री है क्या. एलेग्री है व्हेन एन एब्स्ट्रैक्ट, व्हेन एन एब्स्ट्रैक्ट आइडिया एक्सप्रेस्ड किसी आइडिया को एक्सप्रेस करेंगे एक ह्यूमन इमेज, एक ह्यूमन इमेज के साथ, तो उसको हम कहेंगे एलेग्री. अच्छा, अब पहले एलेग्री का जो कॉन्सेप्ट है वो आपका आया है 18th सेंचुरी के आसपास, अराउंड 18th सेंचुरी. पहले क्या होता था कि कोई भी जो नेशन है या जो कोई भी कंट्री है उसको रिप्रेजेंट किया जाता था उसके किंग के नाम से या उसके किंग की डायनेस्टी के अकॉर्डिंग. फॉर एग्जाम्पल, अगर फ्रांस में बर्बर डायनेस्टी के किंग रूल कर रहे हैं, सो फ्रांस का जो आपका नेशनल सिंबल होगा या जो नेशनल कलर होगा वो आपका किंग की फैमिली के अकॉर्डिंग होगा, ना कि लोगों की फीलिंग्स के अकॉर्डिंग. अब यहाँ पे क्या हुआ, जब एलेग्री आई, जब रोमांटिसिज्म आया, मैंने जैसे आपको बताया था रोमांटिसिज्म में आपने आर्ट एंड ड्रॉइंग का भी बहुत बड़ा यूज किया, सो एलेग्री उसी का रिजल्ट था. अब यूरोप में कई कंट्रीज ने एक ह्यूमन इमेज को लिंक कर दिया कंट्री के साथ. सो अब यहां पे जो फ्रांस था, अगर हम देखें फ्रांस, फ्रांस में एक फीमेल इमेज को लिंक किया गया फ्रांस की कंट्री के साथ कि दैट मीन्स की जो मैरी है. अब यहां पे जो फ्रांस में एक नाम था उसका नाम था मैरी एन. अच्छा, ये जो मैरी एन थी ये एक फिक्शनल कैरेक्टर थी. एलेग्री में एक चीज हमेशा नोट रखना कि इसमें जो भी इमेज हमने यूज की है या किसी भी आर्टिस्ट ने यूज की थी वो सब की सब फिक्शनल थी, ये कोई रियल कैरेक्टर्स नहीं थे, ये कोई रियल इंसान नहीं थे उस टाइम पे. सो मैरी एन एक फिक्शनल कैरेक्टर था जो कि रिप्रेजेंट करती थी फ्रांस के कल्चर को या वहां की जो उनकी जो फीलिंग्स थी लिबर्टी फ्रेटर्निटी की. सो इस मैरी एन का इतना ज्यादा इफेक्ट पड़ा फ्रांस के लोगों पे कि मैरी एन वहां घर घर में पॉपुलर हो गई. इवन एक पोस्टल स्टैंप भी मैरी एन के नाम पे पब्लिश किया फ्रेंच गवर्नमेंट ने. अब मैरी एन जो है उनके स्टैचूज आज भी हम फ्रांस में, स्पेशली जो पेरिस है वहां के आप स्क्वायर्स में देख सकते हैं. ठीक है, सो मैरी एन बहुत ज्यादा फेमस हो गई पूरे पूरे फ्रांस में. अब जो दूसरी कंट्री थी जिसने यूज की ये चीज वो थी जर्मनी, और जर्मनी में जो फीमेल इमेज यूज की गई वो थी आपकी जर्मेनिया. सो जर्मनी में जर्मेनिया, जर्मेनिया भी सेम जर्मनी को रिप्रेजेंट कर रही थी और अगेन एक फीमेल फिगर थी. अच्छा, यहां पे एक चीज नोट करने वाली है कि यहां पे दोनों की दोनों जो इमेजेस है वो आपकी फीमेल इमेजेस है, इसमें कोई मेल नहीं है, कोई आदमी है नहीं. क्यों? क्योंकि फीमेल है वो माना जाता है कि उसके अंदर आपका जो लव अफेक्शन आप कह सकते हो, ठीक है, अपने बच्चों के लिए वो ज्यादा होता है. तो ये जो लेडीज हैं इनको रिप्रेजेंट किया गया एज ए नेशन, सो उसमें रहने वाले जो सिटीजन हैं वो उनके बच्चे हैं. सो दैट मीन्स जो जर्मनी है वो जर्मनी है और वो अपने बच्चों को बहुत ज्यादा लव एंड अफेक्शन देती है. तो इसीलिए किसी भी कंट्री ने अगर किसी भी ह्यूमन इमेज के साथ अपनी कंट्री को लिंक किया तो वो ह्यूमन इमेज सबसे पहले फीमेल ही है. जैसे इंडिया में रविंद्रनाथ टैगोर ने भारत माता की का एक पोर्ट्रेट बनाया था, तो अगेन हमने इसमें एक फीमेल को लिया है. सो इसीलिए फीमेल कैरेक्टर बहुत ज्यादा स्ट्रांग होते थे. तो एलेग्री में अगर आपका जो आइडिया है उसको हम किसी इमेज के साथ एक्सप्रेस करें वो है आपका एलेग्री, फ्रांस में मैरियन और जर्मनी में जर्मेनिया. सो ये है आपका एलेग्री. Okay, so thanks for